घाटे में चल रही चीनी मिलों का संकट कम होता नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को हर साल वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड शासन ने सुझाव दिया है कि चीनी मिलें अपनी वित्तीय स्थिति खुद सुधारें। इसके लिए चीनी मिलें शासन को प्रस्ताव भेजें ताकि उच्च स्तर से निर्णय लिया जा सके। यही नहीं, प्रशासन ने घाटे में चल रही चीनी मिलों का विशेष ऑडिट कराने का फैसला लिया है ताकि चीनी मिलों के लिए गए लोन का आंकलन किया जा सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 8 चीनी मिलें हैं। इसमें 3 सहकारी क्षेत्र की, 2 सार्वजनिक क्षेत्र की और 3 निजी क्षेत्र की है। और सहकारी और सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों ने प्रशासन को ये जानकारी दे दी है कि उनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कर सकें। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे संवाददाता फहीम तन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, सरकार ने मदद करने से इनकार कर दिया है, आप क्या करेंगे मिल संचालक? देखिए साथी, निश्चित तौर पर अब चीनी मिलों प्रबंधन को अपने ही संसाधनों से वो पैसे को जुटाना होगा और अपनी जो व्यवस्था है कि गन्ना खरीदने की, उसकी फिर चीनी की बिक्री की, वो जो बीच का गैप है उसको भरने की समीक्षा करनी होगी कि आखिरकार इतना बड़ा गैप आता क्यों है। क्योंकि साथी, पिछले सालों से लगातार 100 करोड़ से ज्यादा की राज्य सरकार आर्थिक मदद करती रही है चीनी मिल को ताकि किसानों का गन्ने का भुगतान हो सके, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार जारी रहने में सरकार ने असमर्थता जाहिर की है। और मौजूदा समय में भी तकरीबन जो मौजूदा वित्तीय वर्ष गया है इसका 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और 2015-16 के पेराई सत्र का भी तकरीबन 45 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, जो की सरकार ने फैसला तो लिया था पिछली कैबिनेट की बैठक में कि सरकार 45 करोड़ रुपए पिछले साल का दे देगी, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं पाया है क्योंकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि 45-50 करोड़ रुपया एकदम से ट्रेजरी से निकाल करके किसी को दे दिया जाए। इसके लिए समीक्षा की जरूरत है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए सरकार का ये फैसला है और इससे दबाव पड़ेगा चीनी मिलों पर कि जो लगातार सरकार की राहत मिलने से एक लापरवाही भी होती थी चीनी मिल प्रबंधन के अंदर कि सरकार रहती थी कि सरकार उसको माफ कर देगी या सरकार अपनी तरफ से मदद कर देगी तो किसानों का भुगतान कर देंगे, लिहाजा अब सरकार के फैसले से चीनी मिलों पर दबाव होगा अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने का और ये जो घाटा है, जो ऋणात्मक स्थिति है चीनी मिलों की, उससे उभारने के लिए। और सरकार का ये कदम एक तरीके से चीनी मिलों को अपने उनका प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन ठीक करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। जी फहीम, लगभग कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अब उनके सामने क्या कुछ संकट सामने आ रहा है? देखिए साथी, राज्य के तकरीबन 40,000 से ज्यादा छोटे बड़े ऐसे किसान हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर चीनी मिलों से गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं, जो किसान गन्ना मिल को गन्ना पहुंचाते हैं चीनी मिलों को और उनके भुगतान, क्योंकि गन्ने की फसल एक किस्म बड़ी बात है साथी, जो ज्यादा प्रभावित करती है गन्ना किसान को, ये है गन्ने की फसल नगदी फसल मानी जाती है, यानी आप गन्ना डालिए और पैसा लीजिए। और इसी में सबसे ज्यादा उल्टी स्थिति सामने आती है कि गन्ना डाल दिया लेकिन 2-2 साल तक भी पैसा नहीं मिलता है, जबकि और फसलों में इससे कहीं जल्दी पैसा मिल जाता है। तो लिहाजा नाम है नगदी फसल और पैसा नहीं मिलता 2-2 साल तक, इसी वजह से गन्ना किसान बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और चीनी मिलों से पैसा ना मिलने के कारण गन्ना किसानों की स्थिति खराब है। लिहाजा सरकार के फैसले से अब चीनी मिलों को कहीं ना कहीं सोचना होगा और शायद उन पर ये एक दबाव बनेगा और उनको हालत सुधारने के लिए उनको फिर तैयारी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं चीनी मिलों को अब इसको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार की तरफ से जो नजर टिका लेते थे कि सरकार मदद कर देगी, वो गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे, लिहाजा अब ये परिस्थितियां बदलेंगी। जी शुक्रिया फहीम तमाम जानकारियों के लिए।